है लेडी सिंगम श्रेष्ठा ठाकुर, जिनके नाम से कांपते हैं गैंगस्टर। अब खुद ही हुई धोखाधड़ी का शिकार। ठगी का शिकार होने पर आप पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचते हैं। क्या हो जब पुलिस का बड़ा अधिकारी ही ठगी का शिकार हो जाए? उत्तर प्रदेश में श्रेष्ठा ठाकुर या कहे कि लेडी सिंगम का नाम सुनते ही कुख्यात अपराधियों और गैंगस्टर के हाथ पैर कांपते हैं। लेकिन ये तेज तरार अधिकारी श्रेष्ठा ठाकुर एक बार फिर से चर्चा में है। कुछ साल पहले भी बुलंदशहर में एसओ रहते हुए ठाकुर चर्चा में आई थी, लेकिन इस बार श्रेष्ठा ठाकुर अपने निजी कारणों से चर्चा में आई है, जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और कहेंगे क्या पुलिस वालों के साथ भी ऐसा हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में तैनात एक महिला डिप्टी एसपी फर्जीवाड़े का शिकार हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महिला डिप्टी एसपी के साथ बड़ा धोखा तब हुआ जब उनके साथ फर्जी आईआरएस अधिकारी बनकर शादी करने और लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर डाली। लेकिन जब महिला पुलिस अधिकारी को इसकी जानकारी हुई तो उनके होश उड़ गए। मिली जानकारी के मुताबिक साल 2018 में मैट्रिमोनियल साइट की सहायता से श्रेष्ठा ठाकुर ने रोहित राज नाम के व्यक्ति से शादी की थी। रोहित ने खुद को आईआरएस अधिकारी होने की जानकारी श्रेष्ठा ठाकुर को दी और उस दौरान खुद की तैनाती रांची में बताया था। हालांकि अच्छी बात यह है कि उन्होंने धोखेबाज से तलाक ले लिया है, लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ बल्कि वो अपनी पत्नी के नाम पर लोगों से ठगी करता रहा। इसकी जानकारी महिला डिप्टी एसपी को मिली तो उन्होंने फौरन गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने में पूर्व पति के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मीडिया की माने तो सारा खेल एक नाम के दो व्यक्ति की वजह से हुआ था। दरअसल साल 2008 में रोहित राज नामक एक शख्स सच में आईआरएस के तौर पर चयनित हुआ था और उसकी तैनाती रांची में बतौर डिप्टी कमिश्नर सही पाई गई थी। ऐसे में दोनों नामों के मिलते जुलते होने की वजह से ही ये सब कुछ हुआ था और आरोपी ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए आरोपी ने श्रेष्ठा ठाकुर के साथ धोखाधड़ी की थी। शादी के बाद सच सामने आया तो महिला पुलिस अधिकारी के होश उड़ गए, लेकिन इसके बावजूद शादी बचाने रखने का फैसला किया। लेकिन उसका पति लोगों से ठगी करने लगा और वो उनके नाम पर दूसरे लोगों से भी ठगी करने लगा। बता दें कि लेडी सिंगम के नाम से जाने जाने वाली श्रेष्ठा ठाकुर 2012 बैच की पीपीएस अफसर है। उनके पिता का नाम एसबी सिंह भदौरिया है और वो उन्नव की रहने वाली हैं। श्रेष्ठा ने कानपुर से अपनी ग्रेजुएशन की है। गैंगस्टर और कुख्यात अपराधियों के छक्के छुड़ाने वाली पीपीएस अधिकारी श्रेष्ठा ठाकुर इस समय शामली में डिप्टी एसपी के पद पर तैनात है। पुलिस अधिकारी श्रेष्ठा ठाकुर के पिता कारोबारी है और उनके दो बड़े भाई हैं।